चिट्ठी आप किसे लिख रहे हैं? दिन रात मर मर के डर के साए में जी रहे इस गांव वालों के प्रति सरकार को जगाने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। सही कहा जी, इस गांव के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो हद से कहीं ज्यादा है। हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। देश की रक्षा करने वाले मुझ जैसे सिपाही को अपने ही गांव के लोगों से डर कर तुम भागने के लिए कह रही हो? ये मेरे लिए शर्म की बात है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस गांव में कोई जाबाज पुलिस वाला जिस दिन आया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। जब मंदिर में घंटे की आवाज सुनाई देते हैं, तो सबके सर झुक जाते हैं। और जब इस आदमी के हाथ में ये घंटी बजती है, तो समझो खोपड़ी खुल जाती है। केशवपुर के कोने कोने के कागज पत्थर पर हमारा अधिकार है। गाँव की कोई औरत अपने बच्चों को भी चिट्ठी लिखती है तो हमको याद करके कांपने लगती है। का समझा? तुझे पुलिस चाहिए, अपनी रक्षा करने के लिए तूने चिट्ठी लिखी। इस गांव में ना किसी पुलिस के चलेगी और ना ही किसी मंत्री की। यहाँ का सुल्तान हम हैं, हम आदि सिंह। भैया, मेरी बच्ची 2 दिनों से भूखी है, कुछ खाने को दो ना भैया। हम कुछ नहीं कर सकते बहन, अगर आदि को पता चला तो वो हमें भी मार देगा, इसलिए यहाँ से आप चली ही जाइए। सर सर जरा रुकिए सर, मैं न्यूज़पेपर लेके आता हूँ। ओके। मेरी प्यारी बेटी, ले खाना खा। मुझे भूख नहीं है माँ। भूख नहीं है? ओ, ले खा ले। आ गई रोज की तरह नजर लगाने के लिए। ले खा ले, ले तू ही खा ले। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं बच्ची। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। माँ मुझे खाने दो माँ, बहुत भूख लगी है। जी नहीं। रामलाल, क्या है ये सब? वो औरत कौन है? उस बच्ची का पिता एक आर्मी ऑफिसर था साहब। इस इलाके पर होने वाले अत्याचारों को देखकर और ये सोचकर कि यहाँ पे एक आबाज पुलिस ऑफिसर चाहिए, उस आदमी ने सरकार को एक लेटर लिखा था। ये बात जब आदि को पता चली तो पूरी जनता के सामने उसने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। उसी के साथ अगर ये माँ बेटी भी मर जाती ज्यादा अच्छा होता। इस तरह तड़प कर तो जीरेश दे रखा है कि कोई इन्हें खाने पीने को नहीं देगा सर। उसी के डर से कोई इन्हें कुछ खाने पीने को नहीं देता। देश के सिपाही का एक परिवार भिखारी से ही बदतर है। पूरे गांव के सामने उन्हें मारा और गवाही के लिए कोई नहीं आया। एक गवाह है